ये तो कैमरा है दादा, क्या है? नहीं यूट्यूब पे वीडियो बना लेते हैं ना कभी कभी, तो इसीलिए सब। हाँ रेसिंग नहीं करते यार, रेसिंग वाला गाड़ी होता तो रेसिंग करते, रेसिंग वाला गाड़ी तो है नहीं। बाय बाय। फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। हैप्पी 73rd रिपब्लिक डे ऑफ आवर कंट्री। टुडे इज 26th ऑफ जनवरी। आज 73वां गणतंत्र दिवस यानी 73rd रिपब्लिक डे है। इसी उपलक्ष्य में सारे सरकारी ऑफिसेस बंद है और मेरी भी छुट्टी है, तो आज अपना दिन थोड़ा सा अलग होने वाला है रोज से। आज का प्लान अपना क्या है? तो आज का प्लान अपना ये है कि स्कूल के कुछ दोस्त हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। एक दो लोगों से कल से आज तक में बात भी हो गई है, प्लान आउट भी थोड़ा सा कर लिया है। तो अभी एक घंटे के अंदर निकलेंगे घर से। अभी फिलहाल बज रहा है कितना, सुबह के 9:30। तो एक दो कुछ घर के छोटे मोटे काम है, पहले वो निपटाएंगे, नाश्ता करेंगे, फिर तैयार होकर के निकलेंगे। और आज मौसम देखो भाई लोग, कितनी तेज धूप है। यहाँ देखो मेरे हाथ पे धूप पड़ रही होगी, उससे आप अंदाजा लगाओ कि कितनी तेज धूप पड़ रही है। बहुत तेज धूप है आज। मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि बाइक से जाऊँ, हिमालयन से जाऊँ, कि पैशन से जाऊं, कि कार लेके जाऊं, समझ नहीं आ रहा अभी। देखते हैं, जैसा मन करेगा वैसा करेंगे। ओगू भी टेरेस पे एक राउंड घूम आया है, गरम होके बैठा है। बेटी मेरी छोटी बेटी शैतान हो गया आजकल, बहुत ज़्यादा शैतान हो गया, मैं कसम से बता रहा हूँ, बहुत शैतान हो गया, ये सुनता नहीं है बिल्कुल। ये अपनी ब्लैंकेट है, इसको डालना है अभी धूप में, तो सोच रहा हूँ इसको लेकर के जाता हूँ, धूप में डालता हूँ। तो यार ये ब्लैंकेट तो हमने धूप में फैला दिया है, थोड़ा सा इसमें ना कुछ स्मेल सी आ रही थी। अब किसकी स्मेल आ रही थी वो तो आप लोग को पता ही है, तो इसको धूप में फैला दिया है। आज तेज़ धूप निकली है ना, तो अपना काम हो जाएगा। और अब क्या करते हैं, इन पेड़ों में पानी भी डाल देते हैं। अपने पेड़ों में पानी डालना ज़रूरी है। अब ऊपर तक आ गए हैं तो मैं ही डाल देता हूँ, शिल्पी क्यों करें। यार ये बरवीना वाला पेड़ तो काफ़ी अच्छा निकल रहा है, अभी तक इसमें रेड फ्लावर्स नहीं निकले थे। ये मैं आज ही देख रहा हूँ कि पर्पल के साथ रेड भी आ गए इसमें, मतलब जब से इलाहाबाद आया तब से बात कर रहा हूँ। और ये अपने वेलवेट भी ठीक ही हैं, थोड़े से मुरझा से गए हैं लेकिन ठीक है, इवन दिस इज़ ओके। ओगू यू आर इन्जॉइंग द धूप? ओगू के मज़े हैं भाई, धूप इंजॉय करता है, मस्ती करता है। तो गाइस अभी मैंने लैपटॉप शट किया, वीडियो अपलोड हो गई थी, और ये वो वीडियो है जो हम लोग संडे को राइड पे गए थे, मैं, श्वेतांग भैया और अभिषेक भैया। श्वेतांग भैया के पास है यामाहा RD 350 और अभिषेक भैया के पास है रॉयल एनफील्ड की मैचिस्मो, दोनों एक से बढ़कर एक बाइक्स हैं। और मुझे मौका मिला उन लोग के साथ राइड पे जाने का, ऑलमोस्ट हम लोग 150-200 किलोमीटर की राइड पे गए होंगे। तो ये ब्लॉग वो था, ऊपर एक आई बटन आ रहा होगा, उसमें भी ये लिंक होगा, तो जाके जरूर देखना गाइस, वो ब्लॉग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ओगू को जब से सिट सिखाया है ना, वो कहीं पे भी जाके ना बस बैठ जाता है, प्यारा बेबी प्यारा बेबी। तो ठीक है फ्रेंड्स, अभी जाते हैं नीचे, नाश्ता करते हैं, फिर प्लान आउट करते हैं निकलने का। अरे वाह, कौन सी पकौड़ी है ये? मूंग की दाल की? मूंग की दाल की है? तुम लोग खाई? खाया नहीं, खा लिया मैंने। क्या खाया? बॉयल एग और छोटी, तो ले लिया ना सही से। शिल्पी को भी खाती आ रही है। तो भैया मूंग दाल की पकौड़ी, चिली सॉस एंड केचप, एंड इसमें थोड़े से बादाम, कच्चा बादाम। ये ट्रेंडिंग रील है इंस्टाग्राम पे, बादाम कच्चा बादाम एंड सम गुड़ वाला दूध। छुट्टी वाले दिन एक अलग काइंड ऑफ ब्रेकफास्ट एंजॉय करूंगा मैं। A few inches later. तो गाइस नाश्ता करने के बाद अपन निकल आए हैं, फाइनली डिसाइड किया कि हिमालयन लेके निकलते हैं। ये जो ब्रिज देख रहे हो ना आप लोग, दिस इज ओल्ड नैनी ब्रिज, ये ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया है, अभी इसके ऊपर चलेंगे हम लोग। इसकी मजबूती की ना एक अलग ही वो है, मिसाल दी जाती है कि भाई मजबूती हो तो नैनी के पुराने पुल जितनी मजबूती हो, मतलब एक गजब मजबूती है इसमें। सो तो ज़माने से बना हुआ है और अभी भी चलता चला जा रहा है।
तो भैया यमुना नदी के ऊपर आ गए हम लोग पुराने ब्रिज पे, और इस ब्रिज से मैं 14 साल ट्रैवल किया हूँ अपने स्कूल के लिए, तो इस ब्रिज से इतनी यादें जुड़ी हैं, मतलब एक एक कोना रटा हुआ है भाई साहब इस ब्रिज का, एक एक कोना, किधर गड्ढे आएंगे किधर क्या आएगा, मतलब सब कुछ रटा हुआ है। अभी फिलहाल जा रहे हैं शाशा भाई के पास, शशांक के पास, उसको पिक करेंगे उसके घर से। आज मतलब मैं पूरा लफाड़ा गिरी करने का मूड है मेरा, तो उसके बाद देखते हैं कहाँ चलते हैं। पिक करने के बाद शशांक को पूछते हैं उससे और कोई है आसपास, तो चलो उसके घर चलते हैं, उसको भी वहाँ से उठाते हैं, ऐसे घूमते घामते फिर अपने उधर अरेल घाट की तरफ जाएंगे, थोड़ा सनबाथ लेंगे, कुछ ड्रोन श्रोन उड़ाएंगे। यार ड्रोन रखा हुआ है, उड़ाने का मौका ही नहीं मिलता यार कहीं पे, बताओ कैसे चलेगा कैसे चलेगा। एक ज़माने में ना इस ब्रिज पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता था, जब वो नया वाला ब्रिज नहीं बना था, जब से वो नया वाला ब्रिज बन गया है तब से उस पे जाम रहता है, इस पे नहीं रहता। ये देखो गाड़ियों पे झंडे लगे हुए हैं, क्या बात है। ये झंडे आपको सिर्फ 26 जनवरी को दिखेंगे और 15 अगस्त को दिखेंगे, उसके बीच में और आगे पीछे ये सारे झंडे गायब हो जाते हैं। इट हैपेंस ओनली इन इंडिया, ये देखो एक बड़ा सा फ्लैग और लगा हुआ है। और इसके आगे से आ जाता है मेरे स्कूल का इलाका। जब भी तरफ से निकलता हूँ ना, थोड़ा सा एक अंदर से ना डुक डुक होने लगता है मेरा, तो यार ऐसा रहा कि मैं 14 साल एक ही स्कूल में गया, तो एक अलग वो है भाई साहब। ये है मेरा स्कूल, आई जस्ट लव इट। फंक्शन है क्या आज कोई? राइट, कोई फंक्शन है आज, होगा भाई, होना भी चाहिए, 26 जनवरी का फंक्शन तो होना चाहिए स्कूलों में। लड्डू मिलता है आज। ये पहुंच तो गए हैं अब शाशा भाई के घर, उनको ज़रा कॉल लगाते हैं, क्योंकि हम लोग घर की बेल तो बजाते नहीं हैं, फ़ोन करके लौंडों को बाहर बुलाते हैं। शाशा भाई को बैठा लिया है अपने पीछे। शाशा भाई की एंट्री रिकॉर्ड नहीं हो पाई यार, मैं कॉल पे बिजी हो गया था। अभी हम मैं और शाशा भाई निकल रहे हैं कहीं कोना कोपचा ढूंढ के, कहीं चाय वाय पीते हैं। प्रत्यूष तो अभी थोड़ा सा बिजी चल रहा है, उससे मुलाकात होगी 20-25 मिनट बाद, बताना कहाँ पे है। तो जब तक हमने सोचा चलो कहीं चाय वाय पीते हैं बैठ के। ये स्टेशन के साइड वाले इलाके ही है क्या? छेओकी स्टेशन, अच्छा। तो वी आर हियर एट छेओकी रेलवे स्टेशन, और यहाँ पे एक चाय की दुकान पे खड़े होके मैं और शाशा भाई चाय एंजॉय करते हुए, मैंने कहा चलो कैमरा भी लेके आ जाते हैं, थोड़ा सा शूट वूट हो जाएगा इसी में। शाशा भाई चेयर्स, बड़े दिनों बाद आज आपसे मिले, बहुत अच्छा लगा। और धूप एंजॉय कर रहे हैं भाई यहाँ पे मज़ेदार चाय के साथ। कुल्हड़ वाली चाय की तो भाई बात ही अलग है, क्यों? इलाहाबाद की फेमस कुल्हड़ वाली चाय, क्या बात। इस समय हम लोग एडीए की गलियों में टहल रहे हैं। स्कूल टाइम पे यहाँ अक्सर आया करते थे अपनी जवानी के दिन, मतलब जो क्लास 11 12th के जवानी के दिन है यहाँ पे बिताए हैं। हाँ, अपने काफी सारे भाई लोग भी यहीं रहते थे। सौरभ का घर कहाँ है? आगे वाली में। और चलो सौरभ के घर से, सौरभ को उसका घर दिखा दें। तो अभी हम लोग सौरभ घोष का घर दिखाएंगे आप लोगों को गाइज। सोचो आज के लोग क्या चूतियापा कर रहे हैं, पुराने दोस्तों के घर दिखा रहे हैं। अपने को इधर मुड़ना है, राइट, अच्छा। सौरभ आया तो नहीं है? नहीं, ये सौरभ का घर है भाई। सौरभ यहाँ कोई किराएदार रहते हैं क्या? नहीं, अंकल आंटी रहे हैं। कोई लौंडा निकला था वहाँ से? ये पुष्पदीप का घर है, पुष्पदीप राणा हमारे साथ पढ़ता था। हाँ, फिलहाल पुष्पदीप और सौरभ का घर देखने के बाद हम लोग जा रहे हैं प्रत्यूष के घर, अब वो फ्री हो गया होगा। और ये खड़ी है प्रत्यूष की BMW। प्रत्यूष की गाड़ी में घूम रहे हैं। हेलो प्रत्यूष, व्हाट्स अप? गुड गुड, सुपर सुपर गुड, फुल ऑन एनर्जी के साथ जा रहे हैं हम लोग रेल घाट वहाँ पे। आज बियर नहीं मिल पा रहा है, थोड़ा दुखी है। तो भैया अपने पुराने स्कूल के आगे खड़े हुए हैं, बस ऐसे ही थोड़ा यही रुक गए, हमने कहा चलो स्कूल का भी फोटो ले लेते हैं। चलो निकलते हैं रेल घाट को और मजे करते हैं, क्यों शाशा भाई? सब कुछ है ना, सौदा वौदा रखते हो तो सौदा टाइट है भाई। चलो निकलते हैं आगे।
भाई शुभम भी आ गया था और शाशा भाई भी है साथ में और प्रत्युष भी है और हमारा ड्रोन भी है और ये वाला ब्रिज भी है। तो अपन ने क्या सोचा कि यहाँ पे ड्रोन उड़ाएंगे। तो यहाँ पुलिस भी खड़ी थी, अभी पुलिस भी जा चुकी है तो अपने को कोई रोकने वाला है नहीं ड्रोन उड़ाने से। तो अब चलो उड़ाते हैं ये ड्रोन। मटन बिरयानी वॉल्स आउट ऑफ द वर्ल्ड, गजब। अभी और ऑर्डर देने का बोलेगा है ना? KFC चिकन भाई मेरा तो आउट हो गया मामला, डन। तो अब यहाँ से निकल के जाएंगे घर क्योंकि हो गया है बहुत ज़्यादा लेट। तो बस यहाँ से रैप अप करते हैं और घर चलते हैं खाने के बाद। तो गाइस अब कुछ शाम हो गई है, दोपहर में घर लौट आए थे लंच करने के बाद वहाँ पे, और अभी फिलहाल डिनर का टाइम हो रहा है। और डिनर में आज अपने पास क्या है, कढ़ी चावल। शिल्पी तो अपना डाइट फूड खाएगी तो उसके लिए अभी बनेंगे ऑमलेट। ये गैस बंद क्यों हो गई है? अच्छा तुमने बंद किया है, ओके। कढ़ी चावल बड़े दिनों बाद आज खाएंगे, कढ़ी चावल मेरे को पसंद भी है बहुत, तो आज मज़ा आएगा कढ़ी चावल खाने में। तो गाइस हम डिनर करके आ गए ऊपर अपने रूम पे वापस। अगू को भी डिनर दे दिया है, अगू अभी मेरे साथ थोड़ी देर खेलेगा। डिनर करने के बाद अगू को थोड़ा खिलाना पड़ता है, थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी करानी पड़ती है वरना दिक्कत हो सकती है ना कि खा के बस तुरंत सो गए ऐसे। अपना तो फिर भी कभी कभी चल जाता है, पेट्स का ऐसा नहीं होना चाहिए कि खाने के बाद तुरंत सो जाए, उनको थोड़ी एक्टिविटी करानी चाहिए। तो गाइस आज सीरियसली फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आया, स्कूल के फ्रेंड्स सारे हम लोग, प्रत्युष, शुभम और शाशा भाई, चारों लोगों को बड़ा मज़ा आया। और कोई यहाँ आसपास था नहीं इसलिए मुलाकात नहीं हो पाई, जितने लोग मिले उतना ही बढ़िया। नेक्स्ट टाइम कुछ लोगों से और मिल लेंगे फिर से, है ना, ऐसे प्लान्स तो बनाते रहने चाहिए। स्कूल फ्रेंड्स की एक अलग ही बात होती है, बातें मारी, घुमा फिरा, खाया पिया, ड्रोन एंजॉय किया, सबने ड्रोन शॉट्स एंजॉय किए, आप लोगों ने भी एंजॉय किए होंगे वीडियो में ड्रोन शॉट्स जो भी है। तो आई गेस इस वीडियो को यहाँ पे एंड कर देना चाहिए। यहाँ तक गाइस इस वीडियो को देखा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। कॉमेंट्स के बारे में मैं क्या बोलूं यार, कमेंट्स नहीं आ रहे हैं वीडियो में, तो प्लीज़ अगर आप वीडियो को देखते हो तो मेरी गुजारिश ये है कि कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर किया करो, उससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है कि मैं आगे काम करता रहूं और वीडियो इस तरह बनाता रहूं, आप लोग को दिखाता रहूं, अपनी लाइफ का जो जर्नल है वो बनाता रहूं, है ना। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, लिव टुडे एंड लव टुमारो।